अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हम भी सब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम गए हुए थे शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो उन्होंने शॉपिंग करनी थी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, तो इसलिए हमने कुछ डिफरेंट शॉप विज़िट की थी। तो मैं आप सबके सभी वो शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी और आप सबको आइडिया भी हो जाएगा कि विंटर में किस तरह से ड्रेस आए हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने ये वाली शॉप विज़िट की थी क्योंकि आप चाह रहे थे कि पहले मैं अपनी बेटी का ड्रेस ले लूँ, फिर उसके बाद और शॉपिंग करेंगे। और शुक्र है हमें इस शॉप पे ड्रेस मिल गए थे, जैसे मतलब आप ही चाह रही, क्योंकि आप ही कह रही थी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड नहीं होती तो मुझे ज़्यादा ठंड वाले कपड़े नहीं चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे मिल गए थे ड्रेस। मैंने इस शॉप पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है ये शॉप, ख़ास तौर बच्चों के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन थे और काफ़ी सारे थे। जब तक आपने ड्रेस खरीदी तब तक मैंने कुछ वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि यहाँ पर किस तरह से वैरायटी है कपड़ों की। और यहाँ पे मैंने बॉयज़ वाली साइड पे भी वीडियो कुछ बना ली थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन लग रहे थे बॉयज़ के लिए भी, जैसे ये वाइट कलर में शर्ट है और पिंक, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हमने ड्रेस ख़रीद लिए थे और हमें बाज़ार जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी वहाँ पे आप एक ड्रेस ले आई थी अपने लिए, फैब्रिक थोड़ा सा कम हो गया तो हमने वो लेना था और भी थोड़े बहुत काम करने थे। उसके बाद हम इस शॉप पर आ गए थे, आप यकीन करें हमें इस शॉप पे सेकंड टाइम जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी शॉप है, अगर आपने शिफॉन में ड्रेस लेना है मतलब चाहे वो प्रिंटेड हो या प्लेन हो, आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलेगी। आप देख सकते हो, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो न्यू डिज़ाइन आई है वो बता रहे थे, और ये सारे शिफॉन में, यहाँ पे शिफॉन जो बारीक शिफॉन होते थोड़ी सी वो भी होती और जो विंटर के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी थी, ये प्लेन थे सारे, ये भी शिफॉन में थे। मैंने ड्रेस यहाँ से ख़रीदा था ब्लैक कलर में, वो मैंने अभी स्टिच नहीं करवाया, और आप ही ने भी ख़रीदा था, जो मेरी सिस्टर ऑफ कंट्री गई हैं उन्होंने ख़रीदा था, उन्होंने स्टिच भी करवा लिया था और वो ड्रेस स्टिच हो के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो ड्रेस स्टिच हो के काफ़ी लेट हमें रिसीव हुआ था और बस टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पर हम निशात पर आ गए थे क्योंकि आप ही ने एक ड्रेस ख़रीदना था, उन्होंने लोन में ख़रीदना था क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपने कहा वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने एक यहाँ से ड्रेस ख़रीदा। और यहाँ से आपने अपने हस्बैंड के लिए भी एक ड्रेस ख़रीदना था, आप ही कह दी कि मैं ब्लैक कलर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत से ऑप्शन थे, कलर भी अच्छे थे, लेकिन आप ही ने यहाँ से एक ब्लैक कलर का ड्रेस लिया था। और लास्ट टाइम जो निशात पे ऑफ लग गई थी तो मैंने वहाँ से स्टिच और अनस्टिच ड्रेस ख़रीदे थे, और उसकी मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई थी कि मैंने कौन कौन से ड्रेस ख़रीदे। अगर आप लोगों ने नहीं दी तो प्लीज़ उसको एक बार विज़िट कर लीजिएगा, अगर वो वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं और आहिद बस वीडियो बना रहे थे और आप ही यहाँ पर अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। उसके बाद फिर हम नीचे जो स्टिच आर्टिकल होते हैं उस साइड पर गए क्योंकि आप ही ने एक स्टिच भी लेना था। यहाँ पे हम स्टिच आर्टिकल देखने आए थे, आप ही ने एक पसंद किया था, जो स्टिच आर्टिकल थे वो ज़्यादातर जो विंटर के फैब्रिक में होते हैं ना वो वाले थे। और जब हम सिस्टर साथ जाते ना तो फिर अगर किसी को एक चीज़ पसंद आ जाती है तो दूसरी को भी वही पसंद आ जाती है, तो हम कभी सेम ले लेते हैं कभी छोड़ देते हैं। आप बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। जी हम शॉपिंग करके घर वापस आ गए थे, मैंने रेस्ट वगैरह किया था, उसके बाद ये ड्रेस है जो हमने मिनी माइनर से लिया था। मैं वहाँ पे बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है मिनी माइनर पे और बोनांजा पे। ये दो ड्रेस थे पिंक कलर में और ब्लैक कलर में, इनमें थोड़ा सा फ़र्क था, ये थे कलर में और बस डिज़ाइनिंग में इसमें फ़र्क था। ये जो ब्लैक कलर का था ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जो प्योर ब्लैक कलर होता है ये वो वाला कलर था, और उस
रेड कलर की इस पर कढ़ाई भी हुई थी, और आप देखिए इसमें कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। शर्ट के साथ इसके जो ट्राउज़र दिया गया था उस पर भी कढ़ाई हुई हुई थी, और मैं यहाँ पे इनकी प्राइस दिखा रही हूँ। पिंक कलर के जो ड्रेस थे इसमें मैं दिखाना भूल गई, तो इसके मैं दोबारा दिखा रही हूँ, आप देख लें। और ये वो ड्रेस है जो हमने, मैं आपको जो शॉप दिखाई है स्टार में, ये हमने वहाँ से ख़रीदे थे, और ये काफ़ी अच्छे ड्रेस थे, क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, और जो इनकी प्राइस थी वो भी रिजनेबल प्राइस में थे। और ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो इस पर फ्लावर बने हुए छोटे छोटे कलरफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक लास्ट में पिंक है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, और पहने भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक ये ड्रेस है पिंक कलर के, इस पर वाइट कलर के इस तरह डॉट बने हुए हैं, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दो ड्रेस हैं जो आपने अपने ले लिए, और दो ड्रेस भैया के लिए थे, मैं वहाँ पे बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। ये ड्रेस है जो आपने भैया के लिए लिया था, और इसका जो फैब्रिक था वो वॉशिंग वेयर में था, और इसका जो फैब्रिक था वो भी अच्छा लग रहा था काफ़ी। यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन नहीं थी, तो बस मैं वही देख रही थी। और दूसरा ड्रेस ये है जो हमने कॉटन में लिया था, इसका कलर, वैसे भी कॉटन जो कलर होते हैं वो लाइट होते हैं, डार्क कलर लगे मुझे लगता है जो लाइट कलर तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं कॉटन में। और एक ये ड्रेस है जो आपने अपने लिए लिया था, ये लॉन में था, और जो इसका दुपट्टा था वो शिफॉन में था। और मैं ये बताते चलूँ कि ये जो ड्रेस था ये टू पीस था, दुपट्टा और शर्ट, और आपने कहा था कि मैं इसका ट्राउज़र मैच कर लूँगी ब्लैक कलर में। यहाँ पे मैं इनकी डिटेल बता दी कि ये शर्ट और दुपट्टा, और इन पर मेंशन था कि ये कितने मीटर में है, और इसके साथ पैच भी था। यहाँ पे मैं इसकी जो शर्ट है वो ओपन करके दिखा रही हूँ, ये ऑल ओवर में शर्ट है, और नीचे इसका बॉर्डर बना हुआ है ब्लैक कलर में, और इसका जो पैच दिया हुआ है वो गले पे लगेगा। ये देखें, ये इसकी स्लीव्स है, और ये इसका बॉर्डर है जो नीचे लगेगा दामन पे, ये इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। और दामन के लिए जो बॉर्डर दिया गया था वो काफ़ी सारा था, तो आप चाहें तो स्लीव पे भी वो साथ लगा सकते हैं, और ये पैच है जो गले पे लगेगा, ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको आप भी आइडिया हो जाए। और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, इसका जो शर्ट का कलर था वो लाइट था, और इसके दुपट्टे का जो कलर है वो शॉकिंग पिंक कलर में था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये ड्रेस भी। ये है सेकंड ड्रेस, ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है, इसका जो दुपट्टा था वो रेड कलर में था, और इसकी जो शर्ट थी वो ब्लैक कलर में थी, जो इसका दुपट्टा था वो लॉन में था, और जो शर्ट है वो भी लॉन में, ये भी टू पीस था। फिर आपने कहा इसके साथ मैं फिर ब्लैक ट्राउज़र ले लूँगी, ये इसका बॉर्डर बनेगा, और ऑल ओवर में इसकी शर्ट है, ये है इसका दुपट्टा रेड कलर, रेड और ब्लैक, और इस ड्रेस के साथ भी पैच दिया गया था, इस सूट के साथ भी पैच दिया गया था, वो स्लीव के लिए था, लेकिन मुझे लगता है वो दामन पे लग के ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम जब डिज़ाइन करेंगे तो देखेंगे कि इसे किस तरह से स्टिच करवाना है। ये देखिए, ये वो पैच है जिस पे कढ़ाई भी हुई हुई है, और साथ में जो अर्गेंस है वो भी लगी जी। और ये ड्रेस है जो आपने निशा से ख़रीदे थे, एक ड्रेस में जो आपको बताया था कि आपने ब्लैक कलर में लिए भैया का, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सॉफ्ट था, और इसका कलर भी नहीं ख़राब होता, मैंने आपको बताया। और आपको वीडियो में ही देख के पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है, उसका कलर भी कितना प्यारा कलर है ब्लैक। और एक ये ड्रेस है, ये भी ब्लैक कलर में है, ये भी आपने निशा से ख़रीदा था, ये थ्री पीस था, ये भी लॉन में ड्रेस था, जो इसका शर्ट और ट्राउज़र थे वो लॉन में थे, और जो इसका दुपट्टा था वो शिफॉन में था, और इसकी जो शर्ट थी वो ऑल ओवर में थी प्रिंटेड, और जो इसका दुपट्टा था वो शिफॉन में था। मैं आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ये इसकी शर्ट, और इस पर इस तरह से फ्लावर बने हुए हैं ग्रे कलर में, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो इसका ट्राउज़र है वो प्लेन ब्लैक कलर में है। और ये ड्रेस है जो आपने वहाँ से निशात से लिया था, और काफ़ी अच्छा ड्रेस है, सिंपल से है, बस उस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कलरफुल, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसकी शर्ट है, और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र था, ये टू पीस था। फिर आपने कहा था मैं इसके साथ दुपट्टा मैच करके ले लूँगी, ये इसका ट्राउज़र है सिंपल। और एक ये ड्रेस है जो मैंने
अपनी वीडियो में आपको पहले दिखाया था, ये हमने मरनसा से ख़रीदा था, इसका दुपट्टा नहीं था तो हम ये साथ लेते गए, इसका दुपट्टा हमने मैच किया और अब बहुत ही प्यारा इसका दुपट्टा मैच हुआ। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और हमें साथ में इसकी पीको भी करवा ली थी दुपट्टे की। और ये ड्रेस है जो मैं आपको शॉप दिखा रहे थे, हमने वहाँ से लिया था, वहाँ पे 7-8 कलर थे जो लीलन में आए हुए थे, तो हमें ये अच्छा लगा, हमने ये ख़रीदा था। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपने ख्याल कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।